हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज आपसे खास बात करने के लिए आए हैं। आपको पता है कि एनएस जेलेड जो है सुप्रीम कोर्ट से हार चुका है, उसके बाद क्या प्रोसीजर है, गजट यानी के राजपत्र वाला किस्सा चल रहा है, अलग अलग चीजें आप देख रहे होंगे। एक बिहार से हमारे शिक्षक है पप्पू यादव जी, वो लगे हुए, लेकिन उनका मेन पर्पज क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो पहले से ही किस चीज में है, नौकरी कर रहे हैं वो लोग। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका मकसद ये है कि वो अपनों की सिर्फ नौकरी बचाए, सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए हैं। लेकिन आपको बता दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए, लेकिन जो और देश के शिक्षक है, उत्तराखंड से हो, असम से हो, पंजाब से हो, एनी मतलब कहीं भी जितने भी राज्य उनकी बात कर रहा हूं, उसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा? वो लोग तो चले गए, अपना मुंह अलग कर लिया है। मतलब मुंह का मतलब ये है कि वो उन शिक्षकों के लिए लड़ेंगे जो सिर्फ नौकरी पर है, उनकी नौकरी को कैसे बचाया जाए। ये नहीं लड़ेंगे कि एनएच डिलेड का मुद्दा है, पूरे देश का है, वो कैसे बचे। उसके लिए मैं आपको बता दूं, एनएच डिलेड के जो प्रदेश अध्यक्ष है नंदन सिंह बोहरा जी, वो दिन पर दिन काम पर लगे हुए हैं। देखा होगा आपने, जितने भी मंत्री है सबसे लेटर बनवाया है, यहां तक के जो राष्ट्रपति है मुर्मू जी, उनको भी लेटर लिखा है कि इसमें गलती एनएच डिलेड वाले जो शिक्षक है उनकी नहीं है, गलती किसकी है, सरकार की और एनसीटी की, दोनों ने मिलकर कराया था, एमएचआरडी और एनसीटी ने। राज्यसभा लोकसभा हर जगह से पारित होकर के तब आया। एनसीटी का जो रोल था, वो गजट जो करना था वो नहीं कर पाए, उसके लिए क्या किया जाए। आपको पता है कि जितनी भी योजनाएं बोली जाती हैं मोदी जी के नाम से, ये जीतते हैं और कहते हैं, ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी योजना। भाई एनएच डिलेड कौन सी योजना थी, विदेश की योजना थी या किसी देश को हराने की थी? भाई एनएच डिलेड आपने कराया, आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदारी नहीं ले तो कौन करेगा। तो दोस्तों जो एनएच डिलेड के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनकी बात कर लेता हूं, वो दिन पर दिन काम कर रहे हैं। हमारे साथ में जो और भी शिक्षक है वो भी काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। विश्वनाथ जी जैसे, वो उनके साथ चल रहे, सब शिक्षक उनके साथ चल रहे हैं। तो आप लोग जो है, आपसे विनती है, अगर हम रिव्यू डालते हैं, कुछ चीज भी डालते हैं, कर रहे हैं, तो वहां पैसा लगता है। तो दोस्तों हमने कहा था पीछे भी कि जब पैसा मांगा जाएगा आप जब पैसे देना, अब रिक्वायरमेंट पड़ेगी पैसे की। तो आप लोगों से विनती, उत्तराखंड के जितने भी शिक्षक है, देखिए पूरे देश का ही काम है वैसे तो, उत्तराखंड के शिक्षक है उनका भी काम है, हर एक का। अब उनका नहीं है जो लड़ ही रहे हैं, हाई कोर्ट में भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े, उनका ही काम नहीं है कि बार बार पैसे देना। भाई आपका भी काम है, जो लोग अलग से शिक्षक हैं जिन्होंने डिलेड किया है, जो मान रहे हैं कि ये किसी तरह हमारे लिए वैलिड हो जाए, तो दोस्तों आपकी भी इसमें जिम्मेवारी बनती है कि जो मोदी जी की गारंटी योजना है वो फेल हो चुकी है, उसका मुद्दा कौन उठाएगा? आप। दूसरी बात, उसका जो फंड है, जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाला जाएगा, किसी भी काम के लिए करा जाएगा, तो दोस्तों रिव्यू के लिए पैसा चाहिए होता है। अभी पैसा नहीं है एनएच डिलेड के पास, तो दोस्तों एक नंबर, अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा शाम के टाइम में, डिस्कस करके जो अध्यक्ष जी है उनसे डिस्कस करूंगा, कौन सा किसका अकाउंट लगाया जाए, क्या करना जाए, वो सब चीजें आपको बता दिया जाएगा। और आप सभी कृपया करके सहयोग करिएगा, क्योंकि रिव्यू जब डलेगा पैसे ही लगेंगे, उसमें ध्यान रखना, बिना पैसे कुछ नहीं होगा। रिव्यू से डालने से पहले आपको पता है जो गलतियां है एनसीटी की, सरकार की गलतियां, उनको भी उजागर करना होगा, तब आप कामयाब होंगे, वरना नहीं कामयाब होंगे। तो गारंटी योजना आप समझते हैं, मोदी जी की गारंटी योजना कैसी फूस निकली है, इस फूस को पटाखा बनाने के लिए आपको पैसा ही लगाना पड़ेगा। ये लास्ट चांस है आपके लिए, जो लोग उत्तराखंड से हो, कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, सभी की एनएच डिलेड को जिंदा रखने के लिए आपको जिंदा रहना होगा। जिंदा का मतलब है पैसा भी लगाना होगा, आपको आवाज भी उठानी पड़ेगी, जैसे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं नंदन सिंह बोहरा जी। तो आपसे यही विनती है, देख मैं आपको बता देते हो कैसा पूरे देश के लिए माहौल बना जाए, कैसे हो। तो दोस्तों
जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो काम कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, साथ में जो और लोग हैं हमारे वो साथ जुड़ करके जितने भी हमारे साथी है विनती करना चाहूंगा। शाम में आपको अकाउंट नंबर जारी करेंगे जहां जहां से 100-200 जैसे भी वो दोगे, लेकिन जो उत्तराखंड के शिक्षक जो अटैच है उन्हें पता है कि आपको कितना वो करना चाहिए कितना नहीं, लेकिन और जो शिक्षक है पूरे देश से थोड़े थोड़े भी करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों यही है, जो टीचर बिहार से भी लड़ रहे हैं पप्पू यादव जी, वो सिर्फ उनके लिए लड़ रहे हैं जो जॉब पर है। मैं पहले बता दे चुका हूँ वो ऑलरेडी जॉब पर है, गवर्नमेंट वैकेंसी वो ले चुके हैं। तो दोस्तों आप जो है साथ दीजिए जो वहां पे काम कर रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से बात उठा रहे हैं। देखिए जो भी आपके यहाँ सांसद है उससे मिलेंगे, बात उठाई जाएगी कि भाई ये मोदी की योजना थी ये फुस कैसे हुई, तो ये बात रखेंगे तो पता भी लगेगा ना। बात आप रखते नहीं, बात आप करते नहीं, बात आपसे आती नहीं, ये कैसे करेंगे? तो जब या तो किसी के पीछे चल ले या अपना आप पीछे किसी को चलाए। जब प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कर रहे हैं काम को तो पीछे चलिएगा तो कामयाबी होगी। काट करोगे, डिवाइड एंड रूल खेलोगे तो आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, यू कांट सक्सेसफुल इन लाइफ, अंडरस्टैंड माई टॉक। तो दोस्तों यही है, आज जो भी अकाउंट जारी करेंगे कुछ भी होगा वो शाम में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।